नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अक्सर ट्विटर पर आश्चर्यजनक पोस्ट शेयर करते रहते हैं, जिनमें उनके राज्य की अविश्वसनीय प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलती है। वे उन अनछुई सुंदरता के लोगों के सामने लाते हैं, जिनसे भारत के दूसरे राज्य के लोग काफी तक अनजान हैं। सीएम खांडू ने अपने दिबांग घाटी में स्थित एक झरने का शानदार वीडियो शेयर किया है, जिसने नेटिजन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है। देखो अपना प्रदेश अभियान के तहत यह वीडियो शेयर किया है, जिससे पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के पर्यटक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य शुरू किया गया था। वायरल क्लिप में आप पहाड़ों के बहते दुधिया सफेद झरने के शानदार नजारे को देख सकते हैं। महज 35 सेकंड का ये क्लिप इतनी कमाल की है कि आप बस झरने को देखते रह जाएंगे। सीएम खांडू ने वीडियो को शेयर कर लिखा है, अगर आप अनिनी नहीं गए तो दिबांग घाटी के प्रकृति की गोद में रहकर नए साल के वेलकम जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जावड़ू घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मनोरम दृश्य आपका मन मोह लेगी। ट्विटर यूजर्स झरने की सुंदरता को दीवाने हो गए हैं। वीडियो देखने के बाद लोग लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करा रहे हैं। एक ने लिखा है, अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता असाधारण है। वहीं दूसरे का कहना है कि अनिनी नहीं देखा तो क्या देखा। एक अन्य यूजर्स ने लिखा है कि क्या शानदार नजारा है। देखो अपने प्रदेश अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीएम खांडू राज्य में ऐसे खूबसूरत जगहों पर वीडियो शेयर करते रहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यामेन झरने का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वीडियो शेयर किया था। उससे पहले तवांग जिले के बेघर गांव का वीडियो शेयर किया था, जो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था। उसके ऊपर बादल तैर रहे थे।